हेलो गाइस, मेरा नाम दीपाली पॉलिकर है और वेलकम बैक मेरे इस नए वीडियो में। और आज मैं आपको इसमें बताऊंगी कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर ड्राइंग को स्ट्रेच कैसे करते हैं। देन इसके बाद मैं बताऊंगी कि सर्कल का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, टू पॉइंट सर्कल से थ्री पॉइंट सर्कल कैसे बनाते हैं। देन उसके बाद रेडियस लेकर सर्कल कैसे बनाते हैं, डायमीटर लेकर सर्कल कैसे बनाते हैं, वो आज मैं आपको बताऊँगी। देन उसके बाद मैं बताऊँगी कि ये जो हमारी ब्लैक स्क्रीन है उसको वाइट कैसे करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्रेच करना है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है, जैसे एस एंटर। अगर ड्राइंग को हमें यहाँ से स्ट्रेच करना है तो हम लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे, अगर ड्राइंग को यहाँ से स्ट्रेच करना है तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, एंटर, हमारी स्ट्रेच हो गई। अगर इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाना है तो कंट्रोल जेड कर देंगे तो वो हमारी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। ओके, देन उसके बाद हमें देखना है कि सर्कल का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। उसके लिए कमांड शॉर्टकट की यूज़ होती है, सी एंटर। ओके, फर्स्ट पॉइंट। देन उसके बाद रेडियस वगैरह डालना है तो हमें रेडियस के लिए 20 की अगर रेडियस डाल दी तो 20 का सर्कल बनेगा हमारा। यहाँ पे ड्रॉबार्स में एक कमांड होती है, जैसे सर्कल के लिए सेंटर रेडियस, सेंटर डाया, देन टू पॉइंट, थ्री पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, टैन 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 वाली भी यूज़ होती है। ओके, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे रेडियस वाली देख ली, अभी हम लोग डायमीटर वाली देखते हैं। इसके डायमीटर यू, अगर हमें 20 का ही डायमीटर वाली चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे हमारी ये हो गई रेडियस 20 की, यहाँ पे डायमीटर 20 का। ओके, अगर हमें थ्री पॉइंट, टू पॉइंट सर्कल चाहिए तो वो भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ओके, थ्री पॉइंट चाहिए तो उसके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, अगर इसमें हमें टेंजेंट टेंजेंट रेडियस वाली चाहिए तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे जो दो सर्कल के आउटर आउटर डिस्टेंस होता है उसी को लेकर एक सर्कल बनता है, उसको हम लोग टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सर्कल बोलते हैं। ओके, बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हमारी दो सर्कल के बीच में ये जो स्पेसिंग होती है वो स्पेसिंग से बड़ा हमारा रेडियस होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसके लिए 20 की ही डाल देते हैं हम लोग, नहीं तो ये आउटर में आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 20 का डाला तो वो आउटर में आ गया है सर्कल। ओके, देन उसके बाद टैन 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 वाला जो सर्कल होता है उसके लिए यूज़ कर, उसके लिए फर्स्ट, सेकंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट, ये हमारा सर्कल हो गया। ये हो गया हमारी सर्कल के लिए कमांड। ओके, अगर उसका रेडियस चाहिए तो उसके लिए इस पर क्लिक कर देना, या फिर इस पर क्लिक ही कर सकते हैं हम लोग, या फिर ये सर्कल के आउटर के पास लेकर गए तो भी हमारे रेडियस आ जाएगी। ओके, इसके बाद हमें देखना है कि ये जो ड्राइंग, ये जो स्क्रीन है हमारी, उसको अगर इसमें ग्रिड नहीं चाहिए तो इसके लिए नीचे में ये जो ग्रिड का होता है ग्रिड डिस्प्ले, उसको बंद कर देना, वो हमारी ग्रिड नहीं आएंगे उसमें। अगर ये ड्राइंग, ये जो हमारी स्क्रीन है उसको हमें वाइट करना है तो उसके लिए यूज़ होता है राइट क्लिक करके ऑप्शन में जाना। ओके, ऑप्शन में जाके, डिस्प्ले में जाके जो कलर्स यूज़ होता है उसमें कलर में वाइट कर देंगे तो हमारा वाइट स्क्रीन आ जाएगी। ओके, देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्रॉ, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम लोग ब्लैक स्क्रीन में भी यूज़ करते हैं। ओके, हमारी ड्राइंग बन गई। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।